पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर चल रहा किसानों का धरना 70वें दिन भी जारी रहा। रेड रोको आंदोलन की तैयारियों को लेकर किसान संघर्ष समिति की बैठक बावन पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस तरह हाईवे चक्का जाम को सफल बनाया गया था, उसी तरह रेल रोको आंदोलन को भी शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाया जाएगा। साथ ही इस दौरान किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के किसान हैं, हम देश की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें शांतिपूर्ण करना है। किसी की भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी परेशान ना हो, कि हम लोगों का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो, जो सरकार को संकेत देना है वो भी पूरा हो और देश की मान सम्मान की व्यवस्था भी ठीक रहे, कोई भी असलम तत्व उसमें ना आए। जैसे पिछली बार आपने देखा था, बुजुर्ग लोग बाहर रहे थे, युवा अंदर रखे थे और कोई बाहर का कोई दिखता था तो उसे पूछते थे, भाई तुम कैसे कहाँ। तो इस तरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लो कहीं पे रुकेंगे तो जो उसकी वजह से जो भी यात्री रुकेंगे उन सब के भी पानी और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें, पलवल नेशनल हाईवे 19 पर केएमपी केजेपी इंटरचेंज के समीप चल रहा किसानों का धरना निरंतर जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी कानून बनवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बावन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार और युवा किसान लाला डागर का कहना है कि बैठकर निर्णय लिया गया है कि 18 फरवरी की सुबह 10 बजे धरनास्थल पर अधिक से अधिक किसान एकत्रित हों, जिससे कि आगे की रूपरेखा तैयार की जा सके। कल जो हमारा किसान संघ किसान मोर्चा की तरफ से 18 तारीख का जो रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है, वो हमारा चक्का जाम के ही आधार पर, जैसे चक्का जाम किया था उसी आधार पर किया जाएगा, शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा। और इसका हमें किसी जनता को परेशान करने का या किसी आम जनता को परेशान करने का मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो गूंगी बहेगी सरकार ऊपर केंद्र सरकार बैठी है उन तक हमारा अपना मैसेज पहुंचना चाहिए, आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि किसान कितना परेशान है, किसान को क्या समस्याएं हैं। हमारा ये मेन उद्देश्य है। वी न्यूज़ के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।